हालेलुया। हाथों को उठाओ सज्जन, बाइबल समेत, और कहो खुदा बाप, आज तेरा वचन मुझे सुने और मैं इसको मानूं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके मेरे खुदा बाप। तेरा आत्मा जीव और अचंभी रीति के साथ जुम्बिश करें। तेरे वचन आज मुझे चंगा करें और आजाद करें और नया रास्ता मुझे दिखाएं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। जब हम परमेश्वर के वर्ड को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरा जो वचन है, भजन संहिता 119 उसकी 65 आयत, हे यहोवा तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। 49 आयत, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। भजन संहिता 119 अगर आप पूरा पढ़ेंगे आपको वचन की नॉलेज, वचन क्या कर सकता है आपको समझ आएगा। लिखा वचन मेरे मार्ग के लिए रोशनी है, जैसे हम सॉन्ग गाते हैं ना, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। कि रोशनी कहाँ है? राहों में। आपके जो खुदावंद की रोशनी है उसके वचन के अंदर है। और अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते और उसके साथ नहीं जुड़ते हैं, हम कभी भी वो रास्ता नहीं ले पाते हैं। अपनी आंखों को बंद करके अपनी सीटों पर बैठे बैठे ही खुदावंद से बात करते हुए कि परमेश्वर आज जो वचन मैं सुनूं, मैं उसे मानूं और फलों को लेके आऊं, क्योंकि तेरी यही इच्छा है कि मैं बहुत सफल लाऊं, प्रभु यीशु के नाम, आमीन। वचन हमें बताता है कि क्या परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। आज मॉर्निंग के वचन को मैं आगे बढ़ाते हुए, जो हमने मॉर्निंग पढ़ा नीति वचन 6 उसकी 6 आय से आलसी के बारे में, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, उन पर ना तो कोई प्रभुता करने वाला है ना ही कोई प्रधान है, परमेश्वर ने कहा, तो भी वो अपना आहार धूप काल में बटोरती हैं। जो चींटियां होती हैं वो गर्मियों में खाना बटोरती हैं, आप कुछ भी खाना रखेंगे वो उठा के ले जाती हैं, छोटे कीड़ों की लाश ले जाती हैं, सब कुछ ले जाती हैं, वो उनको खाती नहीं है, उन पर फफूंद लगती है तो वो उस फफूंद को, उस उल्ली को खाती हैं। तो उन्हें मालूम होता है कि फफूंद लगने में भी समय लगेगा। आहार हमें सर्दियों में कलेक्ट नहीं करना, गर्मियों में करना है। तो परमेश्वर ने कहा वो आलसी नहीं है, इसीलिए वो मरती नहीं और सर्दियों में उसको इंजॉय करती। आज प्रार्थना करने में कितना आलस विश्वासियों की जिंदगियों में है वो इस बात को भली भांति जानते हैं। आज दो चीजें हैं जो आपने अपनी लाइफ से दूर करनी है। अगर ये दो चीजें आप अपनी लाइफ से दूर नहीं करेंगे, मसीह में रहते हुए भी आप अपने जीवन का आनंद कभी ले नहीं पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अगर इन दोनों चीजों में कोई भी चीज, कोई भी गुनाह आपकी लाइफ में है तो आप अपनी लाइफ का इंजॉय आप नहीं कर पाएंगे। इन दोनों में से अगर एक भी चीज आपकी लाइफ में है तो पहला आलस। अगर आलस आपकी लाइफ में है, प्रार्थना का आलस, परमेश्वर के काम करने का आलस, हर जगह आप लेट हैं, आप अपनी जॉब पे लेट हैं, आप अपने बिजनेस में लेट हैं, आप अपने काम पर, अपने प्रोजेक्ट में, आप हर जगह लेट हैं, हर जगह डिले हैं। परमेश्वर ने कहा जो आलसी होगा उसका कंगालपन, 11 आयत में लिखा, राह के लुटेरे के समान और घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। कि जैसे रास्ते पे चलते किसी को एकदम से लोग घेर लें, तो परमेश्वर ने कहा तेरा कंगालपन इस तरह से आएगा। आज कितने विश्वासी हैं परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करता है प्रार्थना करने के लिए और उनको नींद आती है, आलस घेरता है, फोन घेरता है, व्हाट्सएप घेरता है, दुनिया के सब काम याद आने लगते हैं जब प्रार्थना करने के लिए आपको जाना होता है। क्यों? क्योंकि शैतान इस बात को जानता है कि जब आप प्रेयर्स में जाएंगे, बाइबल को पढ़ेंगे,
एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप जिलाए जाएंगे, आप जीवित होंगे, आपको रास्ता मिलेगा, स्पिरिचुअल आइज ओपन होंगी, समझ आनी शुरू हो जाएगी कि परमेश्वर क्या कर रहा है, आत्मिक दृष्टि से शैतान किस जगह पे काम कर रहा है, आत्मिक दृष्टि से परमेश्वर क्या करने की कोशिश कर रहा है। आपको सब चीज़ों की समझ आनी शुरू होती है जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं। और प्रार्थना करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? आलस। प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तो यीशु मसीह को मालूम था कि उस दिन अगले दिन क्रूस पे चढ़ना है। वीरवार रात को प्रार्थना कर रहे थे, शुक्रवार को क्रूस पे चढ़ना है, मालूम था, फिर भी प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। पत्रस ये जानते हुए भी परमेश्वर परीक्षा आएगी, वो प्रार्थना करते करते सो रहे थे, आलस डाल रहे थे। परमेश्वर ने बार बार उठाया लेकिन वो नहीं उठे, और अगले दिन पत्रस ने परमेश्वर का इनकार कर दिया, वो परीक्षा में पड़ गया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह पर जो भी परीक्षाएं आईं वो निकल गईं, वो ख़त्म हो गईं। और आज हम परमेश्वर को एक कहते ना कामिल परमेश्वर, एक उत्तम परमेश्वर, एक सिद्ध परमेश्वर के रूप में देखते हैं। धरती पे कोई सिद्ध नहीं है, किसने छल किया, किसने कपट किया, किसने व्यभिचार किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप देखते हैं बिना छल, बिना कपट, बिना व्यभिचार। उन्होंने शादी नहीं की, किसी को मारा पीटा नहीं, खून नहीं किया, माफ किया, ब्लेस किया लोगों को। हालेलुया।